और अगली खबर रांची से। पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन जाने की जिद पर ये सभी अड़े हुए हैं। कभी भी लाठीचार्ज होने की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहां पर किया गया है। पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर के पास ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताया ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं धुरवा से, जहां प्रोजेक्ट भवन जाने की इनकी जिद है। कभी भी लाठीचार्ज होने की ये स्थिति बनी हुई है। इनकी जिद को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की बंदोबस्ती वहां पर कर दी गई है। पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन जाने की इनकी जिद है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो उसे देखते हुए पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर रांची से देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर पर ये प्रदर्शन करते हुए, और ऐसे में इन्हें प्रोजेक्ट भवन इनकी जाने की जिद है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। लोगों में देखिए आक्रोश है, पंचायत सेवकों में, और अपनी ये मांगों को लेकर आज प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने जाने वाले हैं। और ऐसे में बढ़ती इनके आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल की वहां पर तैनाती कर दी गई है। धुरवा गोल चक्कर की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से इन्हें प्रोजेक्ट भवन जाना है, लेकिन पुलिस की ओर से इन्हें रोका जा रहा है। और ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लोगों को समझाने बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अब वहां पर मौजूद है और कभी भी लाठीचार्ज की स्थिति बनी हुई है। पंचायत सेवकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर इन्हें प्रोजेक्ट भवन जाना था। और ऐसे में ये तस्वीरें आप लाइव टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि तस्वीरें रांची से सामने आ रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पंचायत सेवक ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी नाराजगी को देखते हुए और इनकी मांगों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए पुलिस वहां पर बातचीत भी कर रही है। हमारे साथ रांची से शाहनवाज बने हुए हैं, हमारे संवाददाता शाहनवाज। देखिए पंचायत सेवक धुरवा गोल चक्कर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट भवन इनकी जाने की मांग है और ऐसे में पुलिस वहां पर इन्हें रोक रही है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी शाहनवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर धुरवा गोल चक्कर पर पंचायत सचिवालय जो कर्मी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, वो बेहद उग्र हो रहे हैं। काफी पेशेंस के साथ उन्होंने काफी देर बातचीत की, लेकिन कोई पहल ना होती देख करके फिर बैरिकेडिंग को हिलाना और आगे पुश करना शुरू किया। इधर मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मी भी तैनात है और किसी भी क्षण कुछ बवेला यहाँ पर हो सकता है। लाठीचार्ज की पूरी तैयारी है, दोनों पक्ष तैयार है। सचिवालय सेवा कर्मियों का जो कहना है कि हमको समायोजित किया जाए और हम एक जमाने से इंतजार कर रहे हैं। 90 दिन से राजभवन पर धरना दे रहे थे, लेकिन हमें हमारी मांगों पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया अब तक। लिहाजा हम अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम लोग यहाँ पर अंतिम लड़ाई लड़ने आए हैं। और देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो आपको बता रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर मामला कभी नहीं था, हो सकता है किसी को चोट लग सकती है, लेकिन इसी बीच News 11 की खबर को देखकर हमारे द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखकर मंत्री आलम ने खुद ही वहाँ पर फोन करवाया है मजिस्ट्रेट को और कहा है कि आप उसमें से जितने लोग आना चाहते हैं 10-11 इनको लेकर के आइए वार्ता के लिए, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन पहले से बेटर हुई है और जो क्लैश है पुलिस कर्मियों के बीच में वो फिलहाल रुक गया है। और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जो News 11 भारत पर के माध्यम से दर्शकों तक पहुँच रही है कि देखिए बारिश भी तेज होने लगी है तो छतरियां निकल आई है, थोड़ा सा आक्रोश कम हुआ है। और अब एक प्रतिनिधिमंडल आलमगीर आलम से वार्ता के लिए प्रोजेक्ट भवन भी रवाना हो चुका है।
है और अब सब कुछ मंत्री जी पर डिपेंड करता है, मंत्री जी इनकी बातों को कितनी स्वीकारते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये जो धरना और प्रदर्शन है ये वापस हो जाएगा, अदरवाइज एक फिर एक नया रूप ले सकता है। आप देखें बिल्कुल शहरावास, तो देखिए ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर रांची से देख रहे हैं जहां पर पंचायत सेवक प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में जैसे जानकारी हमें मिल रही है कि एक प्रतिनिधिमंडल अब मंत्री से मुलाकात करेगा और मुलाकात में क्या कुछ वार्ता होती है ये देखने वाले बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शहरावास आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वयंसेवक संघ ने प्रोजेक्ट भवन जाने की कोशिश की जिनको यहां रोका गया है, आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वो बैनर है जिसमें उनकी मांगे भी लिखी हुई हैं। इनकी जो कुछ मांगे हैं वो क्या है हम जानने के लिए आपसे पूछते हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग पंचायत स्वयंसेवक सचिवालय के कर्मी हैं जो बीते 7 साल से काम कर रहे हैं और ये सरकार के कार्यकाल में 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को जो भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग एक 5 मांग रखे हुए हैं सरकार से। पहला मांग है कि हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल 10 प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कीजिए, क्योंकि मंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग को कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमसे आके मिलिए, तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग से आप वार्ता कीजिए, जो हम लोग का समस्या है वो हम आप लोग के समक्ष रखेंगे। दूसरा है कि हम लोग पंचायत स्वयं सेवक जिसको हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी बोलते हैं कि ये आरएसएस के आदमी है, तो हम लोग का मांग है कि जो पंचायत स्वयं सेवक बोलते हैं उसको पंचायत सहायक रख दिया जाए। और तीसरा मांग है कि हम लोगों का समायोजन हो किसी भी विभाग में। और आप बताइए अब क्या इरादा है? सर ऐसा है कि हम लोग 90 दिन से जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में राजभवन में बैठे हुए थे इन बरसात में डेंगू का लहर में, और आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज हम लोग झारखंड मंत्रालय घेराव के लिए आए हैं। हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि आप जितना तत्परता दिखाते हैं हम लोगों को रोकने में, अगर आप उतना तत्परता दिखाते हैं वरीय पदाधिकारी से बात कराने में तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग का भी सब्र का इम्तिहान जब टूटेगा तो ये बैरिकेडिंग भी टूटेगा। तो ये है पंचायत कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, जाहिर है अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक फ्रंट पर अच्छे से इनसे इनकी तकलीफें सुनी जाए। बहरहाल हालात ये हैं कि बैरिकेडिंग से इनको रोका गया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई प्रतिनिधिमंडल को बुला के प्रोजेक्ट भवन में इनसे वार्ता करवाए। बहरहाल 90 दिनों के अनिश्चितकालीन धरने पर ये राजभवन में भी बैठे हैं, ये पर्याप्त समय है कि इनको बुलाकर इनकी मांगे सुनी जाएं और सहानुभूति पूर्वक इन पर विचार किया जाए। कैमरामैन कैश के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।